हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हमारी प्रीमियम क्लास नंबर 28 है और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम मास मीडिया एंड सोसाइटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इस वाले टॉपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास नंबर 27 को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। एंड गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ, और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है या PhD एडमिशन कहीं पर फॉर्म निकलते हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मास मीडिया एंड सोसाइटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मास मीडिया। गाइज, आपको पता होगा आई थिंक इसके बारे में पहले से ही, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। मास का मतलब क्या होता है? बड़े लेवल पे, एक बड़े लेवल पे जब कोई चीज कर रहे हो, पब्लिक लेवल पे आप कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? मास लेवल पे काम किया जा रहा है, ठीक है। प्राइवेट लेवल पे क्या होता है? जहां पर आप एक दो तीन चार को अफेक्ट करने के लिए उनके लिए भी काम कर रहे हो, दैट इज हम कहेंगे इंडिविजुअल लेवल पे काम किया जा रहा है। जब पब्लिक लेवल पे काम किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग मास लेवल पे काम किया जाना, ठीक है, दैट इज बिग लेवल पे काम करना। सो मास मीडिया क्या होती है? मास मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी That is intended to reach a mass audience. एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचना है। It is the primary means of communication used to reach the vast majority of the general public. Public के जितने भी हमारे ऑडियंस है, जितनी भी पब्लिक है, इन सभी तक जितने भी आपके मैसेजेस हैं उनको कम्युनिकेट करना। द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर मास मीडिया आर न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। ये आपके कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां से हम जो अपने मैसेजेस हैं, जो आपका जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं, इन मीडियम के थ्रू आप कन्वे करते हैं। सो इन्हें क्या बोलेंगे हम? मास मीडिया के एग्जांपल्स, प्लेटफॉर्म्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया। सो मास मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था आपको पहले भी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे सपोज करो एक इंसान है, वो दिखता कैसे है? मतलब उसके दो पैर है, दो हाथ है, एक सर है। तो एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपीयरेंस कैसी है उसकी, ऐसी मास मीडिया की अपीयरेंस कैसे होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो कम्युनिकेशन इज मोस्टली वन वे। मास मीडिया के केस में कम्युनिकेशन जनरली वन वे होता है। जैसे हम टीवी की बात करें तो जो भी टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वो वन वे है। जो ऑडियंस है उसकी, यहाँ पर जो भी ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस यहाँ पर टीवी वाले को कुछ नहीं कहती, बट टीवी वाले जो है वो कंटिन्यूसली उनके लिए कुछ ना कुछ डिलीवर करते जा रहे हैं। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। ऐसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं वो वन वे होता है। जो भी वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप पढ़ लेते हैं, आप उनको कुछ भी नहीं कह पाते। सो दिस इज जनरली कम्युनिकेशन इज मोस्टली वन वे। ऑडियंस हैज ग्रेट डील ऑफ चॉइस। ऑडियंस के पास बहुत बड़ी चॉइस होती है क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्लेटफॉर्म है बहुत सारे हैं और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चॉइसेस अवेलेबल होती है। जैसे हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर भी काफी सारी अलग अलग वैरायटी के अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, और उसमें भी काफी सारी कंपनीज अलग अलग अवेलेबल है। ऐसे ही टीवी चैनल्स की बात करें, ऐसे हम न्यूज चैनल्स की बात करें तो बहुत सारी चॉइस हमें मिल जाती है। रीच लार्ज एंड वास्ट ऑडियंस, बहुत बड़े लेवल के ऑडियंस तक इनकी रीच होती है। एम मैसेजेस टू अट्रैक्ट लार्जेस्ट ऑडियंस पॉसिबल। इनके मैसेजेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं लार्ज ऑडियंस को, जितना पॉसिबल हो सके उतना वो लार्जेस्ट ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंस सोसाइटी। गाइस, ये बहुत ज्यादा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर किसी चीज को लेके वो पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हैं तो सोसाइटी के ऊपर भी पॉजिटिव उस चीज का असर पड़ता है। अगर किसी चीज को लेके वो नेगेटिव तरीके से बात कर रहे हैं तो सोसाइटी भी उस चीज को लेके नेगेटिव तरीके से सोचना स्टार्ट कर देती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो काफी हद तक ये लोग जो है इन्फ्लुएंस कर देते हैं सोसाइटी को। अभी हम समझेंगे आगे इसके बारे में। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मास मीडिया। कितने टाइप के मास मीडिया होता है? अभी हमने इसके बारे में पहले ही बात की थी। तो जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है, जो बहुत पहले यूज होता था, आज के 50-60 साल पहले भी कह सकते हो या अभी भी ये चीजें जो है वो यूज होती हैं, कहीं ना कहीं काम कर रही है, काम चलता रहता है इनके ऊपर भी, बट ये ट्रेडिशनल मेथड में आ जाते हैं। सो इसमें क्या आपका थिएटर। थिएटर में क्या होता है आपको पता होगा, किसी तरह की कहानी है, कोई मैसेज है, कोई स्टोरी है जिसको वो परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस उनको देखती बैठ करके, तो उसे थिएटर कहते हैं। वहां पर भी एक मीडिया की तरीके से काम करती है। नुक्कड़ नाटक क्या होते हैं? जो
एक गली के बाहर या कॉलेज के बाहर या यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ ना कुछ स्टोरी है या कोई मैसेज है जो वो कन्वे करना चाहते हैं, कुछ 5-10 पीपल जो होते हैं अपनी स्टोरी के थ्रू, या कोई मैसेज है जो कन्वे करना चाहते हैं पोएट्री के थ्रू या जिस भी तरीके से, उसे क्या बोलेंगे हम? ये भी एक मीडिया का एक हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म हुआ करता था। नाउ इसके बाद आता है आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंदर जो आपका मोस्ट पॉपुलर है दैट इज न्यूज़पेपर, देन मैगजीन, देन बुक्स, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम कर रही है, लाइक रेडियो है, टीवी है, फिल्म है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेट, जिसको हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, आजकल आपको पता होगा सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इस टाइम पर। सो यहाँ पर पॉडकास्ट करते हैं लोग, ई बुक्स इशू करते हैं, ब्लॉगिंग होती है ऑनलाइन, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो एन प्लेटफॉर्म जिससे कि हम मैसेज को कन्वे कर पा रहे हैं आप लोगों के तक, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया जो है वो भी आपके कम्युनिकेशन का एक पार्ट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया के फंक्शंस क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो सेंडिंग एंड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ मीडिया। सबसे मेजर फंक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। सिंस इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर, मीडिया ऑफर ऑथेंटिक एंड टाइमली फैक्ट एंड ओपिनियंस अबाउट वेरियस इवेंट एंड सिचुएशंस टू मास ऑडियंस एज इन्फॉर्मेटिव आइटम्स। गाइज सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी मीडिया का, प्लेटफॉर्म का, वो ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन को शेयर करना मास ऑडियंस को। नेक्स्ट आपका एजुकेशन, मीडिया एजुकेट भी करता है। आप किस तरीके से एजुकेट करते हैं हम समझ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एजुकेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट टू पीपल ऑफ इन ऑल लेवल्स। दे ट्राई टू एजुकेट पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट। अलग अलग तरीके का कंटेंट होता है। आप देखेंगे जो आपके न्यूज़पेपर, जो आपके न्यूज चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंटेंट आते रहते हैं। सेम तरह का न्यूज़ बार बार नहीं आती है। सो फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम इज डायरेक्ट अप्रोच, ड्रामा डॉक्यूमेंट्री भी दिखाते हैं कई बार, इंटरव्यूज भी होते हैं, फीचर स्टोरीज होती हैं, एंड मेरी अदर प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर टू एजुकेट पीपल इनडायरेक्टली। आपने देखा होगा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी न्यूज़ आती रहती है, ठीक है, वो न्यूज़ चैनल्स भी दिखाते रहते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में प्रिंट फॉर्म में भी आती रहती है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंट फील्ड की जो न्यूज़ है इसके बारे में वो बात करते रहते हैं, जिससे कि आप एजुकेट हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकते हैं जो चीज़ें अभी तक आपको नहीं पता थी। नेक्स्ट आपका एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर और आप देखेंगे जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं ये एंटरटेनमेंट का काम भी करते हैं। मीडिया फुलफिल दिस फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग अम्यूजमेंट टू पीपल। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड ऑनलाइन मीडियम ऑफर स्टोरीज, फिल्म, सीरियल्स एंड कॉमिक्स टू एंटरटेन देयर ऑडियंस। स्पोर्ट्स, न्यूज, फिल्म रिव्यू, आर्ट एंड फैशन आर द अदर एग्जाम्पल्स। ये सब जो है वो न्यूज पेपर और क्या बोलते हैं न्यूज चैनल जो है वो लोग भी इस चीज के बारे में बात करते हैं, जो ये वाले टॉपिक हैं सारे के सारे। और जो आपके स्टार्टिंग के टॉपिक थे ये वाले, यहाँ पर जो फिल्में हैं, स्टोरी हैं, ये सब तो टेलीविजन रेडियो पे आते रहते हैं, ठीक है, स्टोरीज वगैरह। नेक्स्ट आपका पर्सुएशन, तो पर्सुएशन में क्या होता है? पर्सुएशन इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स माइंड, आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर देना, दैट इज पर्सुएशन। मास मीडिया इन्फ्लुएंस ऑडियंस इन वैरायटीज ऑफ वेज, मीडिया कंटेंट बिल्ड ओपिनियंस एंड सेट एजेंडाज इन द पब्लिक माइंड। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे होते हैं जो किसी चीज के बारे में पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं, तो अगर आपको पॉजिटिव साइड दिखाई जा रही है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे। अगर उसी चीज के बारे में मीडिया अगर नेगेटिव तरीके से बात कर रही है तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में नेगेटिव तरीके से सोचने लग जाओगे। तो ये क्या है, आपके ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, आपके ओपिनियन को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं ये सब तरीके से। इट इन्फ्लुएंस वोट्स, चेंजेस एटीट्यूड्स एंड मॉडरेट बिहेवियर। ये हमारे वोटिंग, जो हम वोट करते हैं उस बिहेवियर तक को चेंज कर देते हैं और हमारे अंदर काफी सारे चेंजेस लेके आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मीडिया का। नेक्स्ट फंक्शन है आपका सर्विलेंस। सर्विलेंस डिनोट्स ऑब्जर्वेशन। हेयर ऑब्जर्वेशन मीन्स टू वॉच द सोसाइटी क्लोजली। द फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज टू ऑब्जर्व द सोसाइटी क्लोजली एंड कंटिन्यूसली एंड वॉर्न्ड अबाउट थ्रेटनिंग एक्शंस टू द मास ऑडियंस दैट आर लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द पॉसिबल लॉस। सो यहाँ पर मीडिया का काम क्या है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करना, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है, कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई आंदोलन किया जा रहा है,
या किसी चीज से कोई नाराज है पब्लिक, या पब्लिक जो है किसी चीज को लेकर जश्न मना रही है, वो उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर उस चीज को वो एज ए न्यूज दिखाते हैं अपने चैनल पे, जिससे क्या होता है हम सबको पता चलता है कि मार्केट में यानी कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, जिसके थ्रू हम पॉसिबल लॉसेस बच जाते हैं या फिर जो हमारा प्रॉफिट है लॉस है जो भी हम उसको फेस करना करने वाले हैं उसके बारे में पता चल जाता है कि इसकी ये पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन, द मास मीडिया डू नॉट सप्लाई जस्ट फैक्ट एंड डेटा बट ऑल्सो एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट एंड सिचुएशन। आप देखेंगे कुछ न्यूज चैनल ऐसे होते हैं या कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं कंप्लीट तरीके से किसी चीज को लेकर के, जैसे डीएनए आता है जी न्यूज पे, उसमें क्या होता है कि वो कंप्लीटली एनालाइज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, इंटरप्रिटेशन करते हैं अच्छे से। सो यहाँ पर क्या होता है इंटरप्रिटेशन भी होता है मीडिया में। सो मीडिया ऑफर वेरियस एक्सप्लेनेशन कोरिलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक द रियलिटी क्लियर। ऐसे कोई केस हो जाता है जैसे स्टॉक मार्केट में कोई केस हो गया तो उसके ऊपर कंप्लीट इंटरप्रिटेशन किया जाता है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। न्यूज एनालाइज कमेंट्रीज एडिटोरियल्स एंड कॉलम्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रिटेटिव कॉन्टेंट। यहाँ पर इस तरीके का कॉन्टेंट जो है आपको इस हेडिंग्स के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन। सो सोशलाइजेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, मीडिया आर द रिफ्लेक्टर ऑफ सोसाइटी। जो मीडिया है वो सोसाइटी की रिफ्लेक्टर है, मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है आप मीडिया को देख के समझ सकते हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है, बिकॉज मीडिया वही दिखाती है जो सोसाइटी में चल रहा होता है, तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं ये। दे सोशलाइज पीपल स्पेशली चिल्ड्रेन एंड न्यू कमर्स। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाय विच पीपल आर मेड टू बिहेव इन वेज दैट आर एक्सेप्टेबल इन देयर कल्चर और सोसाइटी। तो ये हमारे बिहेवियर को और हमारे कल्चर को भी काफी हद तक अफेक्ट करती है मीडिया, और कह सकते हैं कि हमारे कल्चर को बिल्ड भी करने की कोशिश करती है। थ्रू दिस प्रोसेस वी लर्न हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ आर सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी इन ग्रेटर सेंस। तो कई बार मीडिया क्या करती है हमारे अच्छा में अच्छा ह्यूमन बींग बनाने में भी हेल्प करती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मीडिया हेल्प टू शेप आर बिहेवियर्स कंडक्ट एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ब्रिंग्स पीपल क्लोज एंड टाइज देम इनटू सिंगल यूनिटी। तो मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी हो सकता है कि हमारे जो सोसाइटी है उसकी यूनिटी को अच्छे से बरकरार रखें, बिकॉज वो जो शो करेंगे जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस पड़ता है, जिससे हमारी सोसाइटी भी उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी। मास मीडिया का सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो हम कैसे इसको हम दो कैटेगरी में समझ सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं। सो द मास मीडिया हेल्प्स पीपल टू रिमेन इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड अबाउट द वेरियस न्यूज इवेंट्स सोशल एक्टिविटीज लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टीजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल बैरियर्स। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या देखा कि पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हम चीज़ों से अवेयर रहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट है क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, हमें तभी पता चलता है जब हम न्यूज़ में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट बनता है हम लोगों के ऊपर। फ्रॉम रिपोर्टर्स ब्रिंगिंग अ स्टोरीज ऑफ पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन टू सोशल मीडिया अलाउंग वन पर्सन्स थॉट टू गो वायरल एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। मास मीडिया कैन लिफ्ट अप एन इंडिविजुअल वॉइस दैट वुड अदरवाइज हैव गॉन अनहर्ड। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो वॉइस है उसको बहुत बड़े लेवल पे तक पहुँचाया जा सकता है मास मीडिया का यूज करके, खासतौर पर सोशल मीडिया का यूज करके। आपने देखा होगा कि प्रीवियस कुछ टाइम में कुछ मंथ में कुछ चीज़ें बहुत जल्दी से और बहुत स्पीड से वायरल हो जाती हैं। तो वायरल क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता है उन चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन जो कि एक आम पर्सन है, एक ले मैन है, उसकी वॉइस को इतने बड़े लेवल पे पहुंचाने का काम जो है एक तरीके से हम कहेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे ऊपर। नेक्स्ट आपका नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी कैन लीड पीपल टुवर्ड्स पॉवर्टी क्राइम न्यूडिटी वायलेंस बैड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर एंड अदर्स एज सच सेवर आउटकम। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इफेक्ट है मास मीडिया के वो इस तरीके के भी हो सकते हैं कि वो पॉवर्टी की तरफ लेके जाएं, क्राइम की तरफ लेके जाएं, न्यूडिटी वायलेंस, क्योंकि हम देखते हैं चीज़ों को कि टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है या फिर न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा है, उन चीज़ों से हम सीखते हैं और कहीं ना कहीं लोग इनके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, फिर वो चीज़ गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने कोई मूवी देखी, ठीक है, तो उसमें क्या उसमें चोरी वगैरह दिखाया गया, फिर आपने देखा होगा आजकल की जो मूवीज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मारधाड़ होती है, ठीक है, वॉयलेंस बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, तो लड़के आजकल क्या करते हैं वॉयलेंस करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सब नहीं करते बट कुछ हद तक चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ता है हम लोगों के ऊपर, बिकॉज हम उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं रियल लाइफ में। इसके एग्जाम्पल क्या है, मोब हिटिंग इनोसेंट बाय गेटिंग
कैरिड अवे फ्रॉम द र्यूमर स्प्रेड ऑन द इंटरनेट हैज बीन कॉमन। इंटरनेट पे झूठे मोटे तरीके से जो चीजें हैं, जो र्यूमर्स हैं, उनको स्प्रेड कर देना, और जब झूठे र्यूमर्स स्प्रेड हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, इनोसेंट जो पीपल होते हैं उनकी मोब लिंचिंग हो जाती है, मोब हिटिंग हो जाती है, मतलब पब्लिक उनको मार देती है। तो ये गलत चीजें हैं, और गलत चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इन चीजों को फैला रहा है, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो हमारे हाथों में होता है मीडिया, हम उसको अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। मैं आप लोगों से हर एक वीडियो लेक्चर्स में बोलता हूँ, आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें बहुत ही, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके कमेंट करने से हमें फर्दर मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो, एंड गाइज ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया करो जितनी भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी है, जो भी यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले यहां पर हम आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करते थे वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे करते थे, अब हम आपको मंडे टू सैटरडे डेली आपको लेक्चर मिल जाएंगे 8 PM पे। मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपको यहां पर लेक्चर मिलते रहे, बिकॉज अभी सिर्फ एक मंथ बचा है आपके एग्जाम में, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम टाइम से पहले अपना सिलेबस खत्म कर दें। सो गाइज, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइज, टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है हमारा, वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर वन एंड कॉमर्स, ये जो दो पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर वन। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर वन के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज, इन नोट्स, इन अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला, और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और नोट्स से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर वन, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज, इन नोट्स रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं आपको यहां पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट सेंड कर दूंगा। गाइस, कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाते कॉल पिक कर पाना, तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज, वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो, और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज, कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, जो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसीनेट एस्पिरेंट्स, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो, ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर रहे हैं, ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर, थैंक यू सो मच।